हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोस। दोस्तों आजकल देखा जाए तो बॉलीवुड में LGBTQ+ समुदाय पर फिल्में बनना शुरू हो चुकी हैं। बधाई हो रिलीज हो गई। और कुछ ऐसी हटकर मुद्दे पर पिछले दिनों चंडीगढ़ का रिहाश की भी रिलीज हुई थी। फिल्म बधाई दो को आयुष्मान खुराना की बधाई हो का सीक्वल कहा गया है। हालांकि बधाई दो की कहानी और कास्ट बिल्कुल अलग है। बधाई दो देखकर लोगों को समलैंगिकता के प्रति नजरिया बदल सकता है, जो लोग इस पर सवाल उठाते हैं। तो कैसी है राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की ये फिल्म, जिसे हर्षवर्धन कुलकर्णी ने डायरेक्ट किया है। एक लाइन में यह जरूर कहना होगा कि फिल्म को सब्जेक्ट के लिए पूरे नंबर, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन के लिए कुछ नंबर कटेंगे। कहानी की बात करें तो कहानी बिल्कुल साफ है कि शार्दुल ठाकुर यानी कि राजकुमार एक पुलिस वाला, सुमित सिंह भूमि पेडनेकर एक PT टीचर, दोनों आपस में शादी करने का फैसला करते हैं क्योंकि दोनों ही समलिंगा है। दोनों कहते हैं कि वो शादी करेंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। दोनों को अपने अपने पार्टनर के साथ रहने दिया जाएगा और फुल लाइफ जिएंगे। लेकिन सोसाइटी में कहां शादी के बाद भी जीने दिया जाता है। बस शादी के बाद दोनों के बच्चे की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन शार्दुल और सुमी की कहानी तो बिल्कुल अलग है भैया, क्योंकि जो दोनों ने सोचा होता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। फिल्म में जिस तरीके से और जिस संवेदना के साथ LGBTQ का मुद्दा दिखाया गया है वो काबिले तारीफ है। गे कम्युनिटी की क्या दशा है वो देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। राजकुमार राव का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से पेश किया गया है। भूमि पेडनेकर को भी आप इस कैरेक्टर में सराहेंगे। वहीं बाकी को-स्टार भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो काफी बढ़िया है। गाने और बैकग्राउंड अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं कि आप पर कोई इम्पैक्ट छोड़ जाए। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को फिल्म में उतारना हमेशा काम नहीं करता। डायरेक्टर हर्षवर्धन कुलकर्णी और उनके को-स्टार सुमन अधिकारी और अक्षत घड़ियाल ने अपने स्क्रिप्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। वो इस बात का फैसला नहीं कर पाए हैं कि फिल्म को आर्ट फिल्म की तरह बनाई जाए या मेन स्ट्रीम की तरह। फिल्म का प्लॉट पटरी से उतरता हुआ नजर आता है। कुछ सीन्स तो लॉजिक से बिल्कुल ही हटकर हैं। बीच बीच में इसे मसाला फिल्म की तरह पेश करने की कोशिश की गई, बहुत ही खराब लगती है। कुल मिलाकर फिल्म पर गे कम्युनिटी के बारे में दिखाने के लिए और काम चाहिए था, लेकिन राजकुमार और भूमि पेडनेकर की वजह से फिल्म देखी जा सकती है। मतलब कुछ लोग देख सकते हैं फिल्म, ठीक है यार आप लोग देख सकते हैं क्योंकि विनोद बोथ आर गुड एक्टर्स, बट स्क्रिप्ट होनी चाहिए। एक्टर्स ही काम नहीं कर सकते ऐसे। फिल्म को रेटिंग की बात की जाए तो 2.5 स्टार से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।